हेलो गॉर्जियस एंजल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ रमोना अनिल एंड वेलकम टू रमोनास ब्यूटी वर्ल्ड। थंबनेल देख करके आपको तो पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा लुक आज क्रिएट किया है। मैंने सप्तमी के लिए आज लुक जो है वो क्रिएट किया है। दुर्गा पूजा आ गई है तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के लिए अलग अलग लुक मैंने क्रिएट किया है। षष्ठी का लुक अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज जाकर मेरी वीडियो को चेक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल पे छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी आप हिट कर दीजिए एंड प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेकअप को शुरू करेंगे स्किन प्रेप्ट के साथ में। स्किन प्रेप्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका बेस जो है फ्लॉलेस लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। स्किन प्रेप्टिंग अच्छे से करना है आपको कम से कम मेकअप से 5 मिनट पहले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेस मिस्ट यूज़ किया था प्लम का, ओके। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर न्यूट्रीडर्म का। आप चाहो तो इससे पहले फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ड्राई स्किन है। मेरी ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है तो मैं डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, इसे आप ड्राई स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप को ये सूट करता है एंड मेकअप के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आई लव दिस मॉइस्चराइजर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से पेनिट्रेट कराइए मॉइस्चराइजर को स्किन पे। उसके बाद 2 मिनट वेट करना है आपको। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो। ये एक लिक्विड हाइलाइटर भी कह सकते हैं आप, एक स्ट्रोब क्रीम भी कह सकते हैं। मेकअप से पहले मीन्स मॉइस्चराइजर के बाद में इसे मेकअप के अंडर आपको लगाओगे इसके ना तो एक ड्यूई वाला फिनिश आपको देगा, ये बहुत अच्छा लगता है आप अगर स्ट्रोब क्रीम यूज़ करते हैं प्राइमर से पहले। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक पोर प्राइमर, ये है स्विस ब्यूटी का पोर प्राइमर। आप एक अफोर्डेबल और रिजनेबल प्राइस में प्राइमर ढूंढ रहे हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं इनसाइड का प्राइमर भी बहुत ही सस्ता है और बहुत अच्छा है। इवन आप ब्लू हेवन का भी प्राइमर ले सकते हैं, ये सारे अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, 100, 200, 300 इस तरह के प्राइस में, बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। मेरे डार्कर एरिया पर, पिगमेंटेशन वाले एरिया पर मैं सारे इसे अप्लाई कर रही हूँ। कम कम क्वांटिटी पे लगाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा लगाना है। मुझे ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा उस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। आपको जितना पिगमेंटेशन है, जितना एरिया पे ज़रूरत है उतना ही लगाइएगा, अच्छे से लगाइए। आपको 1 से 2 शेड डार्क वाला कंसीलर का ही यूज़ करना है, लाइट शेड कंसीलर यूज़ नहीं करना है, इससे अच्छा नहीं लगता है। करेक्टर के लिए आपको हमेशा डार्क शेड वाला कंसीलर ही यूज़ करना है। उसे अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प होना चाहिए, ये भी याद रखें। उसके बाद में मैं एक मैट वाला फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये है लॉरियल का इन्फलेवर 24 आवर मैट फिनिश का फाउंडेशन है। इसे ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे होता है, ये मेरा डॉगी भी आ गया मैं जब भी मेकअप करने बैठती हूँ ये चला आता है, ठीक है। मैंने अपने हाथ पे 2 पंप ले लिया है लॉरियल का फाउंडेशन और डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ही पिक कर रही हूँ। मैंने डॉट डॉट करके नहीं लगाया, इससे क्या होता है ना ड्राई हो जाता है और उसे फिर ब्लेंड कर ही नहीं पाती हूँ मैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ही पिक करिए और अप्लाई कीजिए, इससे फिनिश भी अच्छा आता है और आपका फाउंडेशन अच्छा भी लगता है। इसकी जगह पे आप कोई और फाउंडेशन भी ले सकते हैं अफोर्डेबल में, फैशिस कैनेडा के आते हैं, मेबलिन के आते हैं, स्टे कुर्की का आता है, या फिर आप ले सकते हैं वेट एंड वाइल्ड, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है फाउंडेशन को, आप देख सकते हैं। सॉफ्ट हैंड में ब्लेंड करना, एकदम टाइम लेके धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बिल्कुल रब नहीं करना है आपको, अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि मैट फाउंडेशन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा ब्लेंड होने में प्रॉब्लम होता है, तो आराम से आप ब्लेंड करिए एकदम अच्छे से। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, एक लाइट कलर का कंसीलर लिया है क्योंकि मैं भी हाईलाइट करना है। तो उसका शेड जो है वो है 30 हनी, मेबलिन का फिट मी 30 हनी इसका शेड है। अब मैं इसे हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट का हमें कहाँ करना होता है आप देख सकते हैं, अंडर आइज पे मैंने हाईलाइट किया है और नोज ऑफ द ब्रिज पे करना है, सॉरी ब्रिज ऑफ द नोज पे करना है, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, और चिन पे करना है, क्यूपिड बो पे। और आपको अगर लगता है कि लिप्स के अराउंड डार्कर लगा तो वहाँ लगा सकते हैं, और फोरहेड पे लगाना होता है। इन एरियाज़ पर हमें हाईलाइट करना होता है, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, सेम एरिया पर ही ब्लेंड करिएगा। उसके बाद में सेम कंसीलर को मैंने लेके अपने आईज़ पर भी लगाया है।
लाइट कलर का कंसीलर ही आपको अपने आईज पर भी लगाना होता है। इससे क्या होता है, आप जब भी आई शेडो लगाएंगे तो अच्छे से कलर्स जो वो दिखेंगे, आप जो भी कलर लगाएंगे वो अच्छे से दिखता है, इसीलिए लाइट वाला कंसीलर ही लगाना होता है। उसके बाद में मैंने लिया है एयरस्पन का कोटी लूज पाउडर। ये लूज पाउडर इतना अच्छा लगा मुझे, ये थोड़ा सा टिंट है, आप इसे बनाना पाउडर भी कह सकते हैं। अगर आपका मीडियम टू डस्की स्किन टोन है तो आप इस लूज पाउडर को यूज़ कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी खुशबू जो है ना, मुझे तो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अच्छे से मैंने इससे अपने बेस को सेट कर लिया है, अंडर आइज पे भी सेट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी क्रीज आ जाते हैं और लाइफ लाइन भी दिखने लगते हैं, तो अच्छे से लिप्स के मतलब अराउंड में भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैंने लिया है आई मैजिक का प्रोफेशनल पैलेट। ये एक ब्लश एंड हाईलाइटर एंड कॉन्ट्रोल पैलेट है, इसमें कॉन्टूर ब्लश हाइलाइटर सब कुछ दिया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं अगर आप चाहते, या फिर आप शुगर का पैलेट भी ले सकते हैं, वो भी 700 के अराउंड में मिल जाएगा। अभी तो डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं सारे साइट्स पे, तो आराम से 500 के अंदर में आपको मिल जाएगा। मैंने कॉन्टूर कर लिया है इससे, एक ब्राउन वाला शेड इसमें मिलता है, उससे आप कॉन्टूर कर सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह का कॉन्टूर किया है चिकबोन पे, एंड अब मैं लगाऊंगी ब्लश। सेम पैलेट में से मैंने ब्लश भी लगाया है, एक पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का उसमें शीट दिया गया है। मैं डार्क कलर ही हमेशा ब्लश लगाती हूँ। अगर आप फेयर टोन है आपका तो आप लाइट कलर का ब्लश लगाइए, अगर आप डस्की मीडियम टोन है तो आप डार्कर कलर लिया कीजिए, इससे दिखता है ब्लश। लाइट वाला लगा लोगे तो दिखेगा ही नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद में बारी आती मेकअप को सेट करना है। अभी तो मैं डायरेक्टली फेस पे बहुत कम ही स्प्रे करती हूँ, मैं क्या करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर देती हूँ, उसके बाद डैप करके सेट करती हूँ। इससे क्या होता है ना, कभी कभी स्प्रे कर दूँ ना, वो वाटर जो रह जाता है पैच दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं इस तरह से करने से ना बेस खराब नहीं होते और अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले आईब्रो को डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैंने A by A का आईब्रो किट लिया है, एंड उससे मीडियम ब्राउन कलर को लेके मैंने डिफाइन किया है अपने आईब्रोज को, एंड स्पूली से कॉम कर लिया है। अच्छे से करिएगा, ब्लैक कलर आप ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत ड्रामेटिक और अजीब लगने लगता है, ऐसा लगता है आईब्रो अलग से चिपका लिए हैं हमने। आप ब्राउन वाले फैमिलीज के कलर्स को लेके ही अपने आईब्रोज को डिफाइन किया कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छे से स्पूली से मैंने कॉम कर लिया है, आप देख ही सकते हैं, आप दूसरे वाले आईज पे भी कर लेते हैं। मेरा आईब्रोस ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, मैंने आईब्रोस बनवाए नहीं है। उसके बाद में मैंने लिया है एक छोटा वाला ब्रश और उसमें पिक किया है ग्रीन कलर। पैलेट मैंने यूज़ किया डी लांसी का ला कटरीना वाला, वो पैलेट मैंने लिया, उसमें से ग्रीन कलर लिया है, उसको आईलाइट पे अप्लाई किया। उसके बाद में एक येलो कलर लेके मैं उसे ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि हाथ लाइन जो दिखे वो ना दिखे। आप चाहे तो आप अपने आउटफिट के हिसाब से कोई और कलर भी ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, मरून ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद में एक शिमर लिया है मैंने ग्रीन कलर का, उसको अप्लाई कर दिया है आईलाइट पे पूरा अच्छे से। उसके बाद एक डार्कर ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं, उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की ओर अप्लाई कर दिया है। एकदम छोटा वाला पेंसिल ब्रश लिया मैंने, आई मैजिक का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। आप बेली का ब्रशेस ले सकते हैं, पैक की ब्रशेस ले सकते हैं, कोई भी ब्रश ले सकते हैं। अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। ये एक लिक्विड आईलाइनर है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। आप मेबलिन का आईलाइनर ले सकते हैं, लैक्मे के भी बहुत अच्छे आईलाइनर्स आते हैं, वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आपके पास जो आईलाइनर है उससे आप लगा सकते हैं, आप चाहो तो जेल लाइनर भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने एक डार्क शेड का ग्रीन जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया था, उसे सेम उसी कलर को लेके मैं लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मेबलिन का जेल आईलाइनर लिया है और उसे काजल की तौर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ दोनों आईज पे। एक उसके साथ एक ब्रश भी मिलता है तो ईजी हो जाता है लगाने में। उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया लोअर लैश लाइन पे, और एक फ्लैट ब्रश छोटा वाला जिससे हम लोअर लैश लाइन पे काम कर सके, उसको लेके मैंने काजल और ग्रीन कलर का आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ लिपस्टिक, ये है मेबलिन का सुपरस्टे इंक लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है, इतना अच्छा लिपस्टिक है ये। इसका जो फॉर्मूला है, टेक्स्चर है, इतना स्मूद और क्रीमी है, और लगाने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रहा था,
और ऊपर और साथ ही साथ ये ट्रांसफर प्रूफ भी है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये एकदम लाइट वेट वाला लिपस्टिक है, आप प्लीज़ इसे परचेस करिए और एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद में मैंने हाइलाइटर लगाया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, आप वो आई मैजिक वाला पैलेट से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद बिंदी लगा लिया है मैंने और ऑफ कैमरा मैंने मस्कारा लगा लिया था मार्स का, आपको जो मस्कारा पसंद है जो लगाते हैं वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर लुक जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया है गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस। नेक्स्ट मैं आऊँगी ऑसमी का लुक लेकर के, बहुत ही जल्द आऊँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, टेक केयर एंड बाय।